Hello future officers not every news is relevant for your upsc preparation hi my name is rohit garcha and i am here to bring you the 25 years experience of abhimanyu ias which has given more than 2200 selections since 1999 this is a 7 minute current affair series called to the point zid se jeet tak hi everyone uh, welcome to to the point बच्चे आज का जो हमारा टॉपिक है ये आपका आता है है गवर्नेंस से रिलेटेड प्लस आपका सोशल जस्टिस से रिलेटेड है तो ये दोनों चीजें जब मिलती है ना तो यूपीएससी का एक बहुत प्यारा सा जो है है क्वेश्चन तैयार हो जाता है। जहां पे भी आपको सोशल जस्टिस की बात दिखेगी प्लस सोशल जस्टिस का डिलीवरी मेथड कैसे होता है वाया गवर्नेंस है ना गवर्नेंस होगी तो ही आपका सोशल जस्टिस जो है वो प्रॉपर तरीके से डिलीवर हो पाएगा है ना और सोशल जस्टिस हमारे फंडामेंटल्स के अंदर है है ना हमारे कोर के अंदर है कि हमने सोशल जस्टिस प्रोवाइड करना है तो वैसे ही आज एक से ही करेंगे। गहरा नहीं निकलेंगे स्कीम के अंदर कि क्या है कैसे है। प्री पॉंट, पॉंट से हम इस, इसको कवर करने वाले हैं बहुत ही सही सी तरीके से ठीक है जी स्कीम का नाम है प्रधानमंत्री अनुसूचित जाति अभ्युदय योजना है ना पीएम अजय के नाम से आपको ये जो है स्कीम मिलेगी स्कीम क्या करेगी इट एम्स टू रिड्यूस ये है हमने हर एक वर्ड हमने थोड़ा ध्यान से देखना है यहां पे क्योंकि इसके अंदर से सवाल आता है और हम वहां जाके कंफ्यूज हो जाते हैं कि यार ये वर्ड था या नहीं था तो उसका एक ही मेथड है कि हम उसको ढंग से पढ़ें एक एक वर्ड को इट एम्स टू रिड्यूस पॉवर्टी किसकी ऑफ द एससी कम्युनिटीज कैसे बाय जनरेशन ऑफ एडिशनल इंप्लॉयमेंट ठीक है एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज कैसे थ्रू स्किल डेवलपमेंट इनकम जनरेशन स्कीम्स एंड अदर इनिशिएटिव्स मतलब ऑलरेडी बहुत सारी स्कीम चल रही हैं है ना उन सबको भी यहां पे इंटीग्रेट किया जाएगा या यूटिलाइज किया जाएगा या लोगों को अवेयर किया जाएगा है ना <coughs> ये है इसका मेन एम आपके पूरी प्रधानमंत्री अनुसूचित जाति अभ्युदय योजना पीएम अजय का ये सार है दिस इज द आपका जिस्ट दिस इज द समरी ऑफ द स्कीम कि एडिशनल इंप्लॉयमेंट हमने अपॉर्चुनिटी uh, जनरेट करनी है राइट right? कैसे उनकी स्किल डेवलपमेंट करके उनकी एडिशनल इनकम जनरेशन स्कीम्स को इंटीग्रेट करके और साथ में जितने भी और इनिशिएटिव्स वहां पे होंगे राइट right? उन सबको जैसे मार्केट लिंकेज स्कीम्स हैं है ना? बहुत सारी चीजें और एजुकेशनल स्कीम्स हैं अप्रेंटिसशिप स्कीम्स हैं वो सारी स्कीम्स को और क्योंकि मैंने आपको बताया था कि ये सोशल जस्टिस को टैकल करता है तो आप मिनिस्ट्री इसकी समझ गए होंगे मैं आने वाली स्लाइड्स में बता भी दूंगा पर एक बार साथ साथ जब आप वीडियो देख रहे हो तो एक बार दिमाग दौड़ाओ कि ये कौन सी मिनिस्ट्री हो सकती है जिसके अंदर ये स्कीम होगी आइए बच्चे इट एड्स टू इंप्रूव सोशो इकोनॉमिक डेवलपमेंट इंडिकेटर्स है ना सोशो इकोनॉमिक डेवलपमेंट इंडिकेटर्स एक बारी मुझे ना तसली से सोच लेना इसके ऊपर बिल्कुल टेक योर टाइम जितना आपके पास आप लेना चाह रहे हो आप उतना टाइम लीजिए कंसिडर दैट आई एम टॉकिंग टू यू है ना वन ऑन वन बात हो रही है ये आप टाइम लीजिए मुझे ये कमेंट्स में लिख के बताइए गिव मी एनी थ्री सोशियो इकोनॉमिक डेवलपमेंट इंडिकेटर्स टर्म्स ध्यान से समझ के सोशियो इकोनॉमिक सोशल और इकोनॉमिक का बीच का जो <coughs> आपका वेन डायग्राम में बनेगा ना ये इंटर इंटरलिंकिंग जहां पे होगी सोशियो इकोनॉमिक तो मुझे एक बार कमेंट्स में आप जरूर बताइए उसको ठीक है तो जैसे हमने पहले बोला कि इट इज अंडर दिनिस्ट्री ऑफ सोशल हो गया होगा ठीक है जी? और इसका क्या है कि ग्राम ग्राम ये ना पहली बात तो एक ग्राम बनाने वाले हैं, उसके बाद में इज टू इंश्योर इंटीग्रेट डेवलपमेंट ऑफ दी मेजोरिटी विलेजेस राइट <coughs> ये देख लेते हैं कैसे होगा ये डेवलपमेंट ऑफ एस सी डोमिनेटेड विलेजेस इन टू आदर्श ग्राम जहां पे भी शेड्यूल कास्ट पॉपुलेशन ज्यादा होगी परसेंटेज में मेजोरिटी में होगी राइट उन गांवों को कन्वर्ट कर दिया जाएगा आदर्श ग्राम के अंदर ये चाहेंगे कि वो एक ग्राम, एक आदर्श ग्राम आइडियल विलेज बने राइट आदर्श ग्राम का मतलब ये है इसके अलावा जो ग्रांट्स इन एड है वो डिस्ट्रिक्ट और स्टेट स्टेट लेवल प्रोजेक्ट्स को दिया जाएगा फॉर सोशल इकोनॉमिक डेवलपमेंट क्योंकि देखो जैसे मैंने आपको स्टार्टिंग में बताया कि यहाँ पर इस स्कीम का मुद्दा सिर्फ ये है कि हमने अनुसूचित जाति का उद्धार करना है उनका भला करना है फायदा करना है तो किसी भी तरीके से होगा उस तरीके से हमको फायदा इसके अंदर करना है तीसरा इज कॉम्प्रीह लाइवलीहुड प्रोजेक्ट सच एज कैसे होगा ये विच में इंक्लूड डेवलपमेंट रिलेटेड इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट है ना स्किल होगा लेकिन इंफ्रा नहीं है तो कोई फायदा नहीं है इंफ्रा है लेकिन स्किल नहीं है तो कोई फायदा नहीं तो दोनों चीजें होनी चाहिए फाइनेंशियल असिस्टेंस टूवर्ड्स लोन टेकन बाई दी चीजें मतलब मेरा कहने का मतलब मैं क्यों आपको इतना डिटेल में बता रहा हूं इज दैट कि ये वाली अगर आप इसका कोई क्वेश्चन अगर उसमें आता है आपके प्री के अंदर कोई क्वेश्चन आता है तो आपने कंफ्यूज नहीं होना है कि ये कहना क्या चाह रहा है राइट right? उसमें आपको थोड़ी सी कंफ्यूजन अपनी कंट्रोल में रखनी है इसके अंदर जो भी हो पाएगा वो इसके अंदर होगा ठीक है बच्चे बाकी डिटेल में स्कीम को हम क्लास में कवर कर चुके हैं इसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा राइट आप एक बारी उसमें भी देख सकते हैं एक और चीज जिसके लिए ये प्री में इंपॉर्टेंट बनता है बिकॉज दिस स्कीम हैज थ्री कॉम्पोनेट इसमें तीन स्कीम सीधी सीधी इसके अंदर जो है वो सब्स्यूम कर दी गई है राइट right? कैटेगराइज कर दी गई है इस स्कीम के अंदर अब क्योंकि तीन है तो एक सवाल सीधा सीधा बन सकता है कि बीच वन ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट है ना नॉट अ पार्ट ऑफ या नॉट विच इज नॉट अ कॉम्पोनेट ऑफ पी एम अजय स्कीम राइट तो इस केस के लिए ये वाले हमने तीन मैंने आपके लिए कंपाइल कर दी इधर उसे उठाने की जरूरत नहीं है अब आपको नंबर वन प्रधानमंत्री आदर्श ग्राम योजना ये वही इंटीग्रेटेड डेवलपमेंट ऑफ शेड्यूल कास्ट मेजोरिटी विलेजेस ये आपको मैंने स्ट्रेट फॉरवर्ड पहले ही बता दिए दूसरा इज एस सी ए टू एस सी एस पी स्पेशल सेंट्रल असिस्टेंस टू शेड्यूल कास्ट सब प्लान है ना इसके अंदर एडिशनल ग्रांट मिलती है और ऑलरेडी जो प्रोजेक्ट्स वहां पे चल रहे हैं स्टेट्स और यूटीज के अंदर उनके लिए एडिशनल ग्रांट है राइट right? तो दूसरी स्कीम ये है तीसरी इज बाबू जगजीवन राम छात्रावास योजना जिसमें कंस्ट्रक्शन ऑफ हॉस्टल्स फॉर स्टूडेंट्स बिलोंगिंग टू एस कम्युनिटी वहां पर यह चलता है तो ये तीन कॉम्पोनेट हैं तो आपने इनको स्ट्रेट फॉरवर्ड तरीके से याद रखना है एंड दैट इज ऑल फॉर टुडे थैंक्स फॉर वॉचिंग द वीडियो this 7 minute to the point series is specially designed for your prelims examination if you wish to cover your current affairs holistically for your mains as well as for your interview please check out abhimanyu ias current affairs master course 2024 it is based on trishul model you will be getting three things number 1 weekly classes number 2 weekly pdfs of current affairs number 3 weekly tests on current affairs the link to join the course is given in the description below zid se jeet tak and if you are ziddi enough subscribe for regular updates this tailor made current affairs master course is enough for your preparation of current affairs for upsc civil service examination 2024